गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स की इंग्लिश रीडर की बुक में जो हनी सकल की बुक है हमारी क्लास सिक्स की, उसे मैंने आपको इसी पिछली वीडियो तक का जो फिफ्थ हमारा चैप्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसके वर्किंग विद द लैंग्वेज, वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये सारे कराती थी। आज की इस वीडियो में हम जो इस हमारी पोएम नंबर 5 है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि जो हमारे अध्यापक हैं वह जो है स्कूल से जाने के बाद कहाँ जाते हैं करके, इस पर आधारित ये कविता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है कि क्या कहना चाह रहा है कवि करके। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, एक छोटे बच्चे के लिए जो है एक छोटे बच्चे के लिए जो उसका अध्यापक होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो उस छोटे बच्चे के लिए स्वीकार कर पाना कठिन होता है कि उसका शिक्षक जो है एक साधारण व्यक्ति है करके। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इस पोएम के बारे में, अब हम यहाँ से इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, पोएम को आपने अपनी फेयर कॉपी पे लिखना भी है, ठीक है, हनी सकल की कॉपी पे पूरा लिखना भी है आपने इसको। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि जो अध्यापक होते हैं वो स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है 4 बजे बाद तो वह कहाँ जाते हैं। ठीक है, व्हेन हिट्स 4 o'clock, जब जो है 4 बज जाता है तो उसके शिक्षक जो हैं फिर कहाँ जाते हैं। डू दे लाइव इन हाउसेस, क्या वह जो होते हैं अपने घरों को जाते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो जो हैं हमारी तरह ही अपने जो सॉक्स होते हैं, जो मोजे होते हैं, उनको धोते हैं। डू दे वेयर पजामास, क्या वह जो हैं घर पहुंचकर सामान्य वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर जाकर के अपने कपड़े चेंज करते हैं, इस तरह से सामान्य कपड़े पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे भी हमारे ही तरह जो हैं टेलीविज़न यानी कि टीवी को देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वह अपनी नाक साफ करते हैं। एंड सेम एज़ यू एंड मी, जिस तरह से जो है हम और आप जो हैं अपने बचपन में किया करते थे। डू दे लाइव विद अदर पीपल, क्या वह जो हैं संयुक्त परिवार में अपने जो माता पिता हैं उनके साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी माता और पिता हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या उनके जो हैं बच्चे भी हैं। एंड वर दे एवर बेड, और बच्चा यह भी जानने की जिज्ञासा करता है कि उनका बचपन कैसा था, क्या वे शैतान थे। ठीक है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या जिस तरह से जो है हम शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं, क्या वे भी ऐसी ही गलतियां करते थे लिखने में। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, ठीक है, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या जो है उनको भी जो है सज़ा मिलती थी। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उनको भी जो है कक्षा के कोने पर जो है खड़ा कर दिया था जब वो किसी की जो है चॉकलेट जो है चुराते थे। ठीक है, डिड दे एवर लॉस देयर हाइम्स बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी प्रार्थना पुस्तिका खो दी थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वह भी हमारी ही तरह भोजन में हरी सब्जी को खाना छोड़ देते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, तो जो हमारे शिक्षक हैं क्या वो भी जो हैं अपने जो टेबल होती थी जिसको हम स्कूल में पढ़ते थे टेबल को, उसको गंदा या उस पर पेन या पेंसिल चलाते थे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी जो है गंदे पतलून पहनकर जो है गंदी जो अगर हम गंदी ड्रेस पहनकर, क्या वो भी जो है गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे और वहाँ जो है डांट खाते थे गंदे कपड़े पहने करके। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, तो वह जानना चाहता है बच्चा कि उसका शिक्षक उस स्कूल में भी जो है इसी प्रकार से जो है आचार व्यवहार करता है।
तो वो कहता है कि अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वो सोचता है कि एक दिन वो अपने शिक्षक के घर जाएगा और उसकी जो गतिविधियाँ हैं आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू और उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको नोट करेगा, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम और फिर वह अपनी इस जानकारी को एक कविता के रूप में लिख देगा दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे शायद शिक्षकों को कक्षा में पढ़कर सुनाना तथा पढ़ाना पड़ेगा करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एक कविता थी जो इसका सारांश जो है हिंदी सारांश हमने इस कविता का जाना। ठीक है, इस वीडियो में तो आपने ये जो है पोएम पूरी अपनी इंग्लिश हनी सकल की कॉपी में कंप्लीट करके लिखनी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इसके वर्किंग विद द पोएम है उसको करेंगे। ठीक है,